जय माता दी। मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट फरवरी 2023। सिंह लग्न के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है जो कि एक अग्नि तत्व लगन है और स्थिर लगन है। स्थिर लगन के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएँ काफ़ी स्थिर स्वभाव के फिक्स नेचर वाले होते हैं। इनकी चॉइसेस फिक्स हो जाती है, जो कह दिया सो कह दिया, अब ये बदलने वाले नहीं हैं। स्वयं को बदल पाना, अपने निर्णय को बदल पाना इनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। साथ ही अग्नि तत्व लगन है, सूर्य से प्रभावित हैं, ऊर्जावान काफ़ी अधिक होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व करने की क्षमता काफ़ी प्रबल पाई जाती है। थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति के डोमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं, अहंकारी कह लीजिए या स्वाभिमान कह लीजिए, इस तरीके का प्रभाव इन पर सदा बना रहता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह इन व्यक्तियों में ज़्यादा रहती है, लेकिन दिल के अच्छे होते हैं, सदा लोगों की सहायता करने में लगे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो 13 फरवरी तक सूर्यदेव लग्नेश बनकर षष्ठम भाव के अंतर्गत सेवा के भाव में जा रहे हैं। अगर आप सर्विस में हैं, जॉब करते हैं, या फिर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं एनजीओ वगैरह में या सेवा से जुड़े हुए कार्य में लगे हुए हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप कहीं ना कहीं आपका मेन फोकस इन सबसे जुड़ा हुआ इस समय के अंतर्गत 13 फरवरी में रहेगा। विशेषतः जो व्यक्ति किसी तरीके का कंपटीशन वगैरह में या फिर किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हैं, चाहे वो कंपटीशन आपका व्यापारिक तौर पर भी चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपके आगे अभी कोई व्यक्ति टिक नहीं पाएगा। इतनी क्षमता, मतलब किसी भी तरीके से व्यक्ति को जीतने की जो क्षमता है आपके अंदर, जो जीतने की क्षमता है वो काफ़ी प्रबल हो जाएगी। 13 फरवरी तक ऐसी स्थिति आप देखेंगे कि आपके सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं पा रहा है, किसी भी तरीके की परीक्षा आपके समक्ष रख दी जाए, किसी भी तरीके का कंपटीशन आपके समक्ष हो तो आप ही जीतने वाले हैं, ऐसी एक स्थिति बनती हुई नजर आएगी। साथ ही यहाँ पर थोड़ा रोग रिपुरिन झगड़े का संबंध, उसमें भी जीत आपकी ही होगी, लेकिन इस तरीके का संबंध हो सकता है कोई हेल्थ का इशू। विशेषतः 13 फरवरी तक जो हेल्थ का इशू आएगा वो लीवर रिलेटेड आ सकता है। आपको थोड़ा लोअर एब्डोमेन इस रिलेट इधर के हिस्से से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको, तो ये एक स्थिति आ सकती है। थोड़ा यहाँ पर अगर हम देखें तो मामा मौसी के स्वाभिमान में विशेष वृद्धि है, जो नौकर चाकर भी है थोड़ा उनके स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, उनके लिए थोड़ा सा उनको आपको मानना पड़ेगा उनकी बातों को, थोड़ा वो स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। या किसी भी तरीके का अगर आपको किसी से फाइटिंग झगड़ा वगैरह होता है तो वहाँ पर भी आप जीतते हुए नजर आएंगे, या आपके अंदर जीतने की शक्ति काफ़ी प्रबल है, तो ये एक ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। साथ ही इसके बाद अगर हम देखें तो सूर्य का प्रभाव जब षष्ठम भाव जो कि ऋण का भाव भी है, वहाँ पर बुध भी सम्मिल आए हैं जो कि आपके धन और आपके आय भाव के स्वामी भी है षष्ठम भाव से, तो ये बात तो तय है कि आपको धन वगैरह मतलब नौकरी सर्विस वगैरह से वहाँ से आपको विशेष धन अर्जित होगा। साथ ही जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, चाहे वो बैंक लोन वगैरह हो या किसी अन्य व्यक्ति से भी हो, विशेषतः बैंक से ये लोन मिलने का समय है। और यहाँ पर जो ज़्यादा स्थिति अच्छी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर लोन के साथ साथ प्रॉपर्टी वगैरह और साथ ही आपके घर वगैरह बनने की भी स्थिति बनती है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, गुरु की भाग्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, स्वयं चतुर्थेश जो चतुर्थ भाव के स्वामी है वो दशम में बैठकर कर्म स्थान में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं। ये बात सत्य है कि आपका विशेष ध्यान भूमि भवन वाहन सुखों से संबंधित चीज़ों में, मतलब इनके लिए कर्म करने में, विशेषतः प्रॉपर्टी या फिर घर वगैरह बनाने में या फ्लैट खरीदने में इधर ध्यान जा सकता है, जिसके लिए आप लोन ले सकते हैं और ये लोन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे लोन लेने की तो ये होम लोन वगैरह आपको मिल सकता है, बहुत अच्छा समय आपके लिए इन सबसे संबंधित चल रहा है, तो ये प्लानिंग आप इस माह के अंतर्गत कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। इसके बाद देखिए 13 फरवरी के बाद, ये ज़्यादातर आप देखोगे तो 13 फरवरी तक ज़्यादा अच्छा है समय होम लोन मतलब लेने के लिए, क्योंकि लग्नेश मेन फोकस आपका यहाँ पर रहेगा, या ये कह सकते हैं यहाँ तक ज़्यादा प्लान रहेगी, उसके बाद मिल तो जाएगा ही आपको, ये एक स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखती है। 13 फरवरी के बाद से 15 मार्च तक कुंभ में लग्नेश मतलब आगे फरवरी माह के अंतर्गत
सूर्यदेव कुंभ राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर सूर्यदेव को शनिदेव मिलेंगे साथ ही, क्योंकि शनिदेव का भी गोचर सप्तम भाव में कुंभ राशि में चल रहा है, और वहां पर शुक्र जो कि तृतीयेश और कर्मेश मतलब दशम भाव के स्वामी दशमेश बनकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 13 फरवरी के बाद आपका नेम एंड फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपको पद प्राप्ति हो सकती है किसी भी तरीके की आपके पौष, क्योंकि देखो ये समय आपकी पौष, क्योंकि कर्म का स्वामी खुद अपने से खुद दशम भाव के अंतर्गत अपने से दशम जा रहा है। सेवंथ हाउस आपका पद प्राप्ति का स्थान है, वहाँ पे पद प्राप्ति के मालिक शनिदेव जो कि इस भाव के स्वामी हैं वो मिलेंगे। कुल मिला के आपकी पद प्राप्ति, आपकी पदोन्नति हो सकती है, ये भी प्रबल संभावनाएं बन सकती है। साथ ही यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको 13 फरवरी के बाद आगे के माह के अंतर्गत इसमें ये रह सकती है, ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना है, आप हो सकता है कि अपने आगे स्वयं के आगे किसी को कुछ ना समझे, क्योंकि आपके स्वतंत्र विचारधारा लगन पर दृष्टि रहेगी सूर्य की, बुद्धिमान आपको बनाएंगे, स्वतंत्र विचारधारा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, नेतृत्व करने की क्षमता जो लीडरशिप क्वालिटी वो भी आपकी काफी अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा अहंकार में भी वृद्धि देगा, तो वहां पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है, नहीं तो लोग आपको पसंद नहीं कर पाए, मतलब हो सकता है आप कितने भी ऊंचाई पर चले जाए लेकिन कहीं ना कहीं लोग थोड़ा कम पसंद करेंगे, थोड़ी वो स्थिति आ जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान आपको रखना है। और एक बात का और आपको ध्यान रहेगा कि 13 फरवरी के बाद आगे का माह के अंतर्गत जब तक सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पर है, तो इस समय के अंतर्गत जीवन साथी को लेकर विशेष जिम्मेदारी, क्योंकि शनि भी हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखाते ही हैं, साथ ही आपके लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपका ईगो क्लैश करेगा ही करेगा, वहां पर कहीं ना कहीं अहंकार स्वाभिमान के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वे अपनी समझदारी ज्यादा दिखाएंगे, कभी आप दिखा रहे हो, तो आपस में ही अपना अहंकार की संतुष्टि करोगे दोनों ही पक्ष के साथ, दोनों ही पक्ष एक ऐसी स्थिति बनाए रखेंगे, तो ये भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। विशेष से पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय ये चल रहा है, ये एक अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए अब एक बात और है कि लगन जो आप स्वयं हैं वहां पर लगन कर आप खुद देख रहे हैं, सूर्य की स्वयं की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, कितने सारे व्यक्ति आपकी तरफ निगाह बनाए हुए हैं, मतलब एक तरीके से देखिए बहुत फोकस के अंतर्गत आप हैं। तो ये समय केयरफुल रहने का भी है कि नाम बढ़ने, देखिए नाम होगा ये दिख रहा है इस समय के अंतर्गत, कहीं ना कहीं आपका नाम बढ़ता हुआ दिख रहा है, अब वो अच्छे उसमें दिख रहा है या बुराइयों में दिख रहा है या अच्छाई में दिख रहा है, ये थोड़ा सा आपकी कुंडली के आपके जन्म कुंडली पर साथ साथ दशा अंतर्दशा पर भी निर्भर करेगा, ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही सूर्य के प्रभाव में स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर उनकी बातों को थोड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी, वहाँ पर थोड़ी एक स्थिति रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को जाने, मंगल भाग्येश है, चतुर्थेश है, दशम भाव में बैठे हैं, कर्म भाव में देखिए मंगल का भी गोचर है, तभी हमने कहा कि बहुत एक अच्छा समय यहाँ पर दिख रहा है कर्म भाव में मंगल को गोचर, भाग्य का स्वामी, जो आप कर्म करते हुए नजर आएंगे वहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा, साथ ही आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर, आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धि होती हुई नजर आएगी, वहां पर आपको कमिटमेंट आप करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक और बात है कि लग्नेश जब तक 13 फरवरी तक जब लग्नेश षष्ठम भाव के अंतर्गत हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेवा के लिए भी कमिटेड रहेंगे, जॉब के अंतर्गत काफी कमिटमेंट करते हुए नजर आएंगे, और वहीं पर मंगल का प्रभाव भी आपको मिल जाएगा, तो काफी कमिटेड आप हो जाओगे अपनी जॉब के लिए इस वाले केस के अंतर्गत, ये एक ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही 13 फरवरी तक योग भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं, 12वें घर को देखेंगे जो मोक्ष का स्थान है, कहीं ना कहीं आप योगाभ्यास भी करते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं क्योंकि मंगल की भी दृष्टि लगन पर है, लोन का संबंध, योग का संबंध, इस तरीके के संबंध आने स्वाभाविक हैं, कहीं ना कहीं जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि लगन पर है और सूर्य षष्ठम भाव में गए, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं पर भाग्य का जैसा कि हमने बताया साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में फायदा होगा, साथ ही ये एक स्थिति भी बनेगी, साथ ही मंगल की दृष्टि लगन पर रहेगी, तो देखिए गुस्सा आएगा, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि लगन पर है, मंगल का भी प्रभाव लगन पर है, विशेषतः क्योंकि इनको नियंत्रण बनाए रखेंगे, शुक्र की दृष्टि है तो थोड़ा शुक्र उसमें थोड़ा आपको आनंद देंगे, जिसके कारण आप थोड़ा अपने क्रोध पर नियंत्रण बना लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा काफ़ी अधिक आएगा, जिद्दीपन, जल्दबाजी, ये एक ऐसी स्थिति आपके साथ धैर्य की कमी आपके अंदर हो सकती है, थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखने का आपको प्रयास करना है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भूमि, भवन, वाहन, सुखों में विशेष वृद्धि करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर खुद पंचमेश आपके लिए कष्ट में जा रही हैं। बेशक स्वराशि हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस माह के अंतर्गत अभी आपको
बच्चों के कारण, संतान या फिर अपने एजुकेशन के कारण, विशेषतः अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आपके प्रेम संबंधों के कारण आपको कहीं ना कहीं झगड़ा कष्ट की स्थिति वहाँ पर दिख रही है, वहाँ पर आप काफ़ी परेशान थोड़ा महसूस कर रहे हैं, ये एक स्थिति दिख सकती हैं। तो ये एक प्रभाव मंगल की दृष्टि, आठवीं दृष्टि पड़ने के कारण दिक्कत आ सकती है। थोड़ा गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए, ये एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव जाने, तो बुध जैसा कि बताया कि धन भाव के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं, षष्ठम भाव के अंतर्गत हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर आप डॉक्टर हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप किसी तरीके की चिकित्सा संबंधित इसमें ऐसी स्थिति में है, रोगों से संबंधित ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर आप अगर आप वकील भी है तो भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इन क्षेत्रों से आप काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, या सेवा से जुड़े किसी कार्य में अगर आप लगे हैं तो वहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा धन आप अर्जित कर सकते हैं। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर फाइनेंस को रिलेटेड दिख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल भी है तो लोन कर्ज के संबंध आ सकता है और वहां से आपको प्राप्त भी हो जाएगा, ये एक स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ शुक्र का प्रभाव, जो कि शुक्र कर्म भाव के स्वामी हैं और साथ साथ आपके पराक्रम भाव के स्वामी, पहले सप्तम भाव में पद प्राप्ति कराने वाले रहेंगे, ये एक अच्छी स्थिति। साथ साथ 15 फरवरी तक विशेष पद प्राप्ति के और मतलब प्रबल योग जिसे कहते हैं वो यहां पर दिख रहे हैं। सूर्य का भी प्रभाव कुंभ में आ जाएगा, आगे भी दिखेंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि अभी तो ये शनि का प्रभाव कुंभ राशि में 2.5 साल के लिए आया है। तो धीरे 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 जैसे जैसे आपकी दशा, किसी की पहले लगेगा तो उसको पहले मिल जाएगा, किसी को थोड़ा बाद में लगेगी दशा अंतरदशा, तो उसके बाद गोचर का प्रभाव अभी लंबे समय के लिए आए हैं तो ये आपको देंगे ही देंगे, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र का जो जैसे कि प्रभाव बताया कि कर्म स्थान के स्वामी बनकर शुक्र सप्तम भाव में व्यापार के लिए कर्म करते हुए नजर आएंगे, पार्टनरशिप रिलेशनशिप को लेकर आपका विशेष कर्म आपका होता हुआ नजर आएगा, और वहीं पर शुक्र की दृष्टि लगन पर रहेगी तो आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में भी आपकी 15 फरवरी तक विशेष वृद्धि रहेगी। इसके बाद शुक्र कर्म भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, गुप्त संबंधों में विशेष वृद्धि यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि गुरु के प्रभाव में ये आ रहे हैं। कर्म भाव का स्वामी अष्टम भाव में गुरु के प्रभाव में, कुछ करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है और वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो वो एक स्थिति, और जो कि विशेष लाभ आपको देने वाला धन की विशेष वृद्धि, गुरु और शुक्र की दृष्टि धन भाव पर विशेषतः धन की वृद्धि करने वाले ही रहेंगे, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। जीवन साथी की वाणी पर गुरु और शुक्र, या फिर आप कह सकते हैं आपके ससुराल पक्ष पर गुरु और शुक्र का प्रभाव जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं वे बहुत धार्मिक आध्यात्मिक इस तरीके के होते हुए, विशेषतः रिलीजियस कह सकते हैं, धार्मिक कह सकते हैं, वो होते हुए नजर आएंगे, और जीवन साथी की जो वाणी है उसमें काफ़ी सात्विकता या राजसिकता देखने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं एक तरफ वो धर्म के, क्योंकि वैसे भी द्विस्वाभाविक राशि है, मीन राशि के अंतर्गत है, एक तरफ धार्मिकता के तरीके से बात करना, दूसरी तरफ मतलब शुक्र का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं भोग भौतिक तरीके से बात करना, भोग विलास ऐश्वर्य से संबंधित कुछ चीज़ों की बात करना, उस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। साथ ही ये समय आपके लिए गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष विद्या का ज्ञान, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय ये चल रहा है, ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं पर देखिए शनि का गुरु का प्रभाव, गुरु पंचमेश और अष्टमेश दोनों का स्वराशि चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया गुप्त ज्ञान वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा संतान को सुख देने में आपको कष्ट आएगा, अगर आप संतान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कष्ट आएगा। साथ ही गुरु की पांचवी दृष्टि आपके 12वें घर पर है तो धार्मिक कार्य पर आपका खर्चा होने की ज्यादा संभावना है। विदेश से आपको लाभ फायदा आपको मिलेगा, विदेश से संबंधित किसी तरीके का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर तो आपको कुटुंबजन का सहयोग साथ आपको फायदा लाभ आपको मिल सकता है। धन संचय देखिए धन के लिए भी बुध का गोचर जब सही हो जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा, अदरवाइज यहाँ पर भी बुध धन की स्थिति जैसा कि देखा है तो थोड़ा गलत जगहों पर धन जा सकता है, ये निर्भरता रहेगी आपकी जन्म कुंडली वगैरह पर, इस बात का ध्यान रखना। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य दृष्टि चतुर्थ भाव पर प्रॉपर्टी प्लान करने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। भूमि मेन समय है पद प्राप्ति के लिए, प्रॉपर्टी प्लानिंग के लिए, लोन वगैरह लेने के लिए, इन सब के लिए बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है, या फिर जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए, उन सब में भी बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम देखें तो शनि का गोचर देखें तो शनि सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि के अंतर्गत, जैसे कि पद प्राप्ति के लिए बताया ही है, विवाह होने की प्रबल संभावना। देखिए शनि का प्रभाव है तो विवाह करा सकते हैं, और साथ ही एक बात देखिए सूर्य और शनि का परस्पर मिलन है, मतलब कहीं ना कहीं अभी इस माह के अंतर्गत आप देखेंगे खासकर 13 फरवरी के बाद, जैसे ही सूर्य कुंभ में आएंगे तो 13 फरवरी के बाद सूर्य मतलब 13 फरवरी के बाद आप और आपका जीवन साथी जो कि परस्पर आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों की विचारधारा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, आप
आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी आप लेके चल सकते हैं। लेकिन क्या रहेंगे कि किसी आपने एक काम को करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई देंगे, और वहां पर भी क्या रहेगा, साथ तो दिखेंगे लेकिन शत्रु तो शत्रु ही हैं। तो यहां पर उनके मतलब वैचारिक मतभेद होते हुए भी कहीं ना कहीं आप काफी एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति यहां पर दिख रही है कि एक मिलन का समय यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपका और आपके जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का भी, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी खुद शुक्र भी आ रहे हैं। तो शुक्र का प्रभाव ये रहेगा कि आपस में वैचारिक इतने मतभेद होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ आनंद तो आएगा ही आएगा। शुक्र का प्रभाव आ रहा है तो थोड़ा आनंद आ सकता है। और विशेषतः एक बात का ध्यान रखना है कि 13 फरवरी के बाद अपने चारित्रिक रूप से भी स्वयं को मजबूत बनाए रखने का प्रयास आपको करना है, इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर, जहां पर राहु भी गोचर कर रही हैं, एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मंगल कर्क में जाएंगे, अभी तो मंगल वृषभ में, अभी आने वाले कई एक दो महीने लगेंगे, दो तीन महीने लगेंगे, जब कर्क में जाएंगे तो उस समय में आपको ये राहु प्रॉब्लम देगा। विशेष शनि की भी दृष्टि है, आप अपने पिता की गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, पिता से संबंधित आपको पिता या गुरु की गलतियां, मतलब इनसे संबंधित कष्ट, इनसे संबंधित कुछ परेशानियां, कुछ धोखा, कुछ चीटिंग, इस तरीके की स्थिति, या पिता गुरु से संबंधित कुछ उनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, पिता या गुरु के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, ये सब हो सकती है, या फिर उनकी गलतियों को आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे संबंधित कष्ट आ सकता है। विशेषतः जब मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे तब ये ज़्यादा प्रभाव आएगा, लेकिन अभी भी आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि और राहु का प्रभाव ये भाग्य को लेकर थोड़ा दिक्कत, धार्मिक कार्यों में आपको परेशानी उत्पन्न करेगा, धार्मिक कार्य नहीं कर मतलब धार्मिक कार्य से संबंधित परेशानी बन सकती है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि लगन पर है, विशेषतः मेहनत बहुत ज़्यादा करा देंगे, जिसके कारण आप काफ़ी थके थके महसूस अपने आप को कर सकते हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि भूमि भवन वाहन सुखों के लिए, हैप्पीनेस के लिए, और आपके मातृभूमि के लिए ये कर्म कराते हुए नजर आ रही हैं। विशेषतः देखिए, समय शनिदेव की जब दशम दृष्टि पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं मातृभूमि से दूर भी ले जा सकते हैं आपको, तो ये एक स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं फायदा जो हमने बताया जिन जिन चीज़ों से संबंधित वो यहाँ पर कराते हुए नजर आएंगे। वहीं राहु केतु का प्रभाव जैसे कि हम बता चुके हैं, तो थोड़ा धर्म में कुतर्क करने से बचिएगा, नहीं तो दिक्कत बनेगी आपको, तो ये बात का ध्यान रखना है। और साथ साथ कुछ ऐसे रिस्क लेने से, क्योंकि यहाँ पर केतु का प्रभाव, केतु एक हेडलेस बॉडी है, पराक्रम भाव में आप कुछ ऐसे पराक्रम कर बैठेंगे, कुछ ऐसे रिस्क ले जाएंगे जिनका मतलब बिना सोचे समझे ऐसी स्थिति आ सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको कहीं कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कह दे और आप तुरंत एकदम इन्वेस्ट कर ले बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोचे समझे, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, ये बात का आपको ध्यान देना है। शुभ दिन 1 से 2, 6 से 8, 8 से 11, 13 से 15, 15 से 17, 26 से 28, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिन में शुभ समाचार, फायदा, लाभ आपको रह सकता है, मन थोड़ा खुश रहेगा। और अशुभ दिन में 3 से 6, 6 से 8, 11 से 13, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 24, 24 से 26, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अशुभ दिन में मानसिक तनाव, रोग, रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध, कलह, कलेश, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को परेशान महसूस कर सकते हैं, ये एक अशुभ दिनों के अंतर्गत, या हानि वगैरह किसी तरीके की हो सकती है, ये अशुभ दिनों में आप महसूस कर सकते हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है 17 से 19, 21 से 24 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 19 से 21 की अच्छी रहेगी। धार्मिक यात्रा 3 से 6, 24 से 26 की हो सकती है। अस्पताल का संबंध, गुरु के आश्रम का संबंध, खुशी के लिए यात्रा 3 से 6 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 11 से 13 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है, और साथ साथ उपाय क्या करने चाहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहिएगा, फायदा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करके सूर्यदेव को मजबूत बनाइए, अपने लग्नेश को बलवान बनाइएगा। साथ ही राहु को नियंत्रण में रखिएगा, ये ज़्यादा नेगेटिव है यहाँ पर, तो राहु को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए आप किसी गुरु के आश्रम जा सकते हैं, वहाँ पर सेवा कर सकते हैं, शिवालय जा सकते हैं, शिवजी पर जलाभिषेक कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही आप माता दुर्गा के नवारण मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, और विशेषतः इसको सूर्यास्त के बाद अगर आप करें तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।